हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज अब्बास तबिश साहब जो हैं, शायर जो हैं, उनके वीडियो पे फॉर द फर्स्ट टाइम रिएक्शन होगा। आप सभी चाहते थे कि मैं उनके वीडियो पे रिएक्शन करूं और मेरी गलती हो गई जी सरकार के, मैंने अभी तक किया नहीं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड वी आर गोइंग टू रॉकेट। मतलब वी आर क्या, मतलब अपने को तो बहुत भयंकर वाले मजे आएंगे ही ना यार मुशायरा देख करके। दुबई का ये मुशायरा है जिसका नाम है जश्न उर्दू। आहा, उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ लव। इस भाषा में अगर किसी को डांट भी रहे होगा ना आप, तो ऐसा लगेगा अरे अरे दो चार प्यार की बातें हो रही दिखती हैं। अशफाक मियां आपने तकल्लुफ भी कैसे किया। बस यहीं पे मेरी उर्दू खत्म होती है, मतलब समझ में आने लग गई है काफी, पर यार बोलने में उतना परफेक्शन नहीं आया। आई एम प्लानिंग टू बाय अ गुलजार साहब की किताब क्योंकि उससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। और फिर अपन सब तो फैमिली है ही, साथ में अपन खूब डिस्कस करा करेंगे चीजें बैठ करके। चलो ठीक है अपन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं रोजाना वहां पे मजाकिया रीले डालती हूँ आपको हंसाने के लिए, तो प्लीज आप चेक करिएगा एक बार जा करके। फिलहाल जश्न उर्दू को अपन शुरू करते हैं और मुलाकात करें उर्दू दुनिया के बहुत ही अजीमुल मर्तबत शायर जनाबे अब्बास ताबिश साहब, जो कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं। जोरदार इस्तकबाल के बीच में उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। फरहान वास्ती का बहुत शुक्रिया कि वो मुझ फकीर को बुला लेते हैं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ फरहान वास्ती के हवाले से, 3 बरस से मैं आगे आ रहा हूँ, नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। बस इतना कहना चाहता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, सब समझते हैं। बिल्कुल सही। दिल ने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार बात यह है आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा, आज नई गजलें लेके आया हूं, नई गजलें सुनाऊंगा। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, क्या कहना, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। जख्म से फूल उगे, फूल से खुशबू आए। आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। जख्म से फूल उगे, फूल से खुशबू आए, तुझसे वो बात करे जिसको ये जादू आए। जख्म से फूल उगे, फूल से खुशबू आए, तुझसे वो बात करे जिसको ये जादू आए, तेरे होठों पे किसी और की बातें आई। ये सुनिए वसीम भाई, तेरे होठों पे किसी और की बातें आई, मेरी आंखों में किसी और के आंसू आए। फिर सुना दो, तेरे होठों पे किसी और की बातें आई, मेरी आंखों में किसी और के आंसू आए, इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना।
इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना, नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए। क्या बात है, पहली बार ऐसा सुना है कि इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा, इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना। केरला वालों का दुख बयान कर, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना, नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए। छे सुनिए, नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए। अच्छे चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। क्या बात है यार, दिस इज द टॉप पर उर्दू यार। चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूंगा जिससे उर्दू आए। सौ दफा सुनाने को तैयार हूँ, आप सुने तो सही। चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूंगा जिससे उर्दू आए। उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है। क्या कहने, उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है। उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है। गुल तो सब जानते हैं, फूल गुल। उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है ताकि मुझसे न किसी और की खुशबू आए। क्या कहना, क्या कहना बाबा। गुले उम्मीद खिला रखा है ताकि मुझसे न किसी और की, ताकि मुझसे न किसी और की खुशबू आए। एक और गजल, तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, मैं उन सब लोगों की नजर कर रहा हूँ जो बहुत दूर से सफर करके मुशायरा सुनने आए हैं। संतोष हैं और सलीम भाई हैं और लोग हैं जो यहाँ हैं हिंदुस्तान से, इधर उधर से। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी नज़र नहीं कर रहा। ये तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, ज्यादा क्यों नहीं लगता अगर ज्यादा है। तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, मोतबर क्या होता है, ज्यादा क्यों नहीं लगता अगर ज्यादा है। न जाने कौन सा दर्जा है ये फकीरी का, न जाने कौन सा दर्जा है ये फकीरी का कि मुझ में आदमी कम और शजर ज्यादा। अरे वाह वाह वाह, कौन सा दर्जा है ये फकीरी का कि मुझ में आदमी कम और शजर ज्यादा है। तो मान लीजिए मैं मुस्तहक ज्यादा, तुम्हारे पास मोहब्बत अगर ज्यादा है, तो मान लीजिए मैं मुस्तहक ज्यादा, तुम्हारे पास मोहब्बत अगर ज्यादा है, मैं इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता। ये आप सब लोगों की नजर, मैं इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता कि मुझ गरीब की इज्जत इधर ज्यादा है। मैं इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता कि मुझ गरीब की इज्जत इधर ज्यादा है। बस सर, अरे
बात यह है कि जब मेरी बारी आती है तो वक्त नहीं होता, वो कह रहे हैं कि वक्त है। सलमा आगा साहबा, इन्होंने मेरी गजल की एक धुन बनाई है, वो मैं पेश कर देता हूँ और फिर कुछ ताज़ा गजलें कुछ पेश कर देता हूँ। उनका हुक्म है, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते सही सरोश, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, आपकी मोहब्बत आप सुन रहे हैं, ये ऊपर वाले भी दाद दे रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते। अरे यार, क्या बोले। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते। जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते, यह मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, यह मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। यह मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। शेर की वजाहत की जरूरत नहीं, दोनों मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, दोनों मुल्क। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले, बच्चों की तरह वक्त बिताने में लगे हैं, बच्चों की तरह वक्त बिताने में लगे, बच्चों की तरह वक्त बिताने में लगे हैं। दीवार पे हम फूल बनाने में लगे हैं। वाह, बच्चों की तरह वक्त बिताने में लगे हैं, दीवार पे हम फूल बनाने में लगे हैं। ये सुनिए, धोने से भी जाती नहीं उस हाथ की खुशबू, धोने से भी जाती नहीं उस हाथ की खुशबू, हम हाथ छुड़ा कर भी छुड़ाने में लगे। धोने से भी जाती नहीं उस हाथ की खुशबू, हम हाथ छुड़ा कर भी छुड़ाने में लगे हैं, लगता है वही दिन ही गुजारे हैं तेरे साथ, वो दिन जो तुझे अपना बनाने में लगे। दिन ही गुजारे हैं तेरे साथ, वो दिन जो तुझे अपना बनाने में लगे, दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या, ये लोग जो दीवार गिराने में लगे, दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या, ये लोग जो दीवार गिराने में लगे। ये दोपहर है, इसे मैं कदे की शाम करे, ये दोपहर है, ये गजल मैं राज साहब की नजर में, आप जानते ना जहाँ पे शराब से नहीं जाते हैं, आप तो जानते ही नहीं।
ये दो पहर है, इसे मैं कदे की शाम करे, मिलो के मिल के उदासी को घर के जाम करे। ये दो पहर है, इसे मैं कदे की शाम करे, मिलो के मिल के उदासी को घर के जाम करे। कलेजा मुंह को भी आए तो ये नहीं मुमकिन, कलेजा मुंह को भी आए तो ये नहीं मुमकिन। तू हम कलाम ना हो और हम कलाम जाए। वाह 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 वाह, क्या कहना वाह। कलेजा मुंह को भी आए तो ये नहीं मुमकिन, तू हम कलाम न हो और हम कलाम करें। हम कलाम करें उन्हें कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो मेरे शजरे का एहतराम करें। वाह कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उन्हें कहो मेरे शजरे का एहतराम करे। तू अपना हाथ बढ़ा, मैं बढ़ाऊं अपना हाथ, दिया देश जलाने का एहतमाम करे, दिया दिए से जलाने का है तमाम करें। एक गजल और पेश करता हूं, जरा सी देर में फिर उसके बाद चमकता गुबार था ये, फिर उसके बाद चमकता गुबार था ये, जरा सी देर में वो शहसवार था ही नहीं, जरा सी देर में वो शहसवार था ही नहीं। उन्हें कहो कि बुझा कर ना इतना इतरा है। हुसैन भाई उन्हें कहो कि बुझा कर ना इतना इतराए, चिराग पर तो मेरा इन्हेसार था ही नहीं। उन्हें कहो कि बुझा कर ना इतना इतरा है, चिराग पर तो मेरा इन्हेसार था ही नहीं। गिला करें जिन्हें तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, गिला करें जिन्हें तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। बड़ी उम्मीदें थी हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। बस ये जो शायर होते हैं ना, अब्बास तविश साहब जैसे, वो ना इतना प्यार बढ़ा देते हैं ना दोनों मुल्कों में, कि यार मुझे खुद को इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि यार अगर ढंग से देखो ना, अपनी आंखें खोल करके देखो ना, तो यू विल नोटिस कि डिफरेंस नहीं है। बॉस दिखने में एक जैसे हैं, रगों में खून एक जैसा दौड़ता है, पहले तो एक ही कंट्री की हुआ करते थे, फिर डिवाइड हो गए, पर प्यार मोहब्बतें तो होती रहनी चाहिए ना। देखो जिनको लड़ाई करनी है, नफरतें करनी हो, जो लोग हैं ऊपर वाले संभालने वाले इन देशों को, उन्हें करने दो, हम क्यों आपस में एक दूसरे से लड़े, हमें तो प्यार बांटना चाहिए ना। इनकी एक जो शायरी थी ना बीच में, इनके जैसे जो लोग होते हैं, इन्होंने कश्ती के लिए बोला कि यार खुद के लिए इन्होंने ऐसे बोला कि हमारी जिंदगी सी निकल जाती है प्यार बढ़ाते हुए, प्यार बांटते हुए, नफरत खत्म करते हुए, पर फिर भी कुछ लोग उन्हीं नफरतों में फंसे रह जाते, तो फंसे मत रहो, बाहर निकलो उससे और प्यार करो यार, इंडिया वाले हो
तो पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान वालों से, इंडिया वालों से प्यार करो यार। देखो इस जिंदगी में ना प्यार के अलावा कुछ रखा नहीं है। आप एक बार ढंग से सोचने की कोशिश करो कि मैंने आपको कुछ बुरा किया। हाँ, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर आप पाकिस्तान से हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक सिटीजन है उस देश के, तो क्या आपने मेरा कुछ बुरा किया? नहीं, तो फिर नफरत बीच में आती ही कैसे है? मुझे काफी सारे आप जैसे फैमिली मेंबर्स ने कहा था कि यार अब्बास तबिश साहब की शायरी पर आप रिएक्शन दो, पर मेरे को ऐसा था कि यार मैं ऑलरेडी इतने सारे दिग्गज दिग्गज शायर लोगों की शायरों पर रिएक्शन देती हूँ, तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा एक लगता है आपको रिएक्ट करने से पहले कि यार करें नहीं करें, बट जब स्टार्ट हुआ इनका मुशायरा तो मुझे समझ आया कि भैया परफेक्ट डिसीजन। अभी तक तो मुझे 3-4 या 10-20 बार इनके वीडियोस पे रिएक्शन दे देना चाहिए था। और इन्होंने ये जो बोला ना बीच में कि प्यार मैं उससे ही करूंगा, मोहब्बत मैं उससे ही करूंगा जिसे उर्दू आती होगी, तो मुझे बड़ा वो फील हुआ कि यार मुझे ना ढंग से, उतने ढंग से, तहजीब से उर्दू नहीं आती है जो मुझे सीखनी है। मैं सच में आई वॉन्ट टू लर्न इट, लाइक दिल से बोल रही हो, जो आप दिल से बोलते हो या चाहते हो ना, शिद्दत से चाहते हो, आपको मिल ही जाता। तो एक दिन मैं उर्दू सीख ही जाऊंगी और अपन मिलते हैं फिर किसी मुशायरे में, मिल बैठ करके जब अपन शायरी करेंगे, गजलें पढ़ेंगे, तो मजे तो हमें आने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बट फ्यूचर में रेडी रहना यार, अपने को रूबरू भी होना है एक दूसरे के साथ वन डे डेफिनेटली। दिस इज किला रिएक्ट साइनिंग ऑफ। जल्द मिलते हैं कराची के बहुत ही फेवरेट से अपने शायर अब्बास तबिश जी के रिएक्शन के साथ। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे मिलते रहते हैं, इधर भी मैं शायरों पे रिएक्शन वीडियोस बनाती ही रहती हूँ, तो मिलते तो अपन रहते हैं, गुफ्तगू तो अपनी होती रहती है और मुलाकात भी होती रहती है। और भी कोई उर्दू का वर्ड याद आएगा तो खट खट बोला करूंगी अब हर वीडियो के अंदर, ताकि खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे होता है ना इंटरेक्शन करने से। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, मैं बाय बाय बोलने के बाद भी 10 बातें कर लेती हूँ, आदत है मेरी। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।